इस वीडियो में हम रेफ्रिजरेशन के बारे में बात करने वाले हैं कि रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या होता है, साथ ही हम कंडेंसर वाटर साइकिल के बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं रेफ्रिजरेशन क्या है। रेफ्रिजरेशन की जो विधि होती है वो एक ऐसी विधि है जिसमें हम किसी भी एक जगह से गर्मी को बाहर निकाल के उस जगह के तापमान को कम करते हैं। जो हमारे एयर कंडीशनिंग सिस्टम होते हैं, चाहे वो हमारे घर पे लगा एसी हो या फिर बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में इस्तेमाल किए जाने वाले सेंट्रलाइज एसी सिस्टम हो, ये सारे ही रेफ्रिजरेशन के अंदर आते हैं। इनको कम्फर्ट कूलिंग भी कहा जाता है। जो इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है उसका इस्तेमाल भी अलग अलग प्रकार से होता है, जैसे कोल्ड स्टोरेज, फूड इंडस्ट्री, मिल्क प्लांट आदि में। आजकल कमर्शियल इंडस्ट्री में जो रेफ्रिजरेशन का तरीका सबसे पॉपुलर है वो चिल्ड वाटर सिस्टम का है। चिल्ड वाटर सिस्टम को ही ज्यादातर जगह पे आजकल इस्तेमाल किया जाने लगा है, जिसको हम आमतौर पे चिलर प्लांट या चिलर भी बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम इसी चिल्ड वाटर सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। तो चिल्ड वाटर सिस्टम के बारे में जानने के लिए हमारी इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। अब देखते हैं चिल्ड वाटर सिस्टम का जो रेफ्रिजरेशन होता है उसका जो मुख्य पार्ट होता है वो कंप्रेसर होता है, जिसका काम रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करने का होता है। अब जो रेफ्रिजरेंट यानी गैस हम यूज करते हैं, इनका बेसिक जो लो होता है उसके अनुसार गैस का प्रेशर अगर बढ़ाया जाता है तो उसका तापमान भी बढ़ जाता है। तो इस तरीके से कंप्रेस होने के बाद हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर वाला रेफ्रिजरेंट कंडेंसर में जाता है। चिल्ड वाटर सिस्टम में ज्यादातर जो कंडेंसर इस्तेमाल किए जाते हैं वो सेल एंड ट्यूब टाइप वाले होते हैं। कंडेंसर की सेल में रेफ्रिजरेंट होता है और इसकी ट्यूब में पानी फ्लो करता है। यहाँ जो रेफ्रिजरेंट का इस्तेमाल किया जाता है उसका तापमान लगभग 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। कंडेंसर की ट्यूब में जो पानी होता है उसका तापमान लगभग 90 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। अब ऐसे में देखा जाए तो पानी का तापमान कम है और जो रेफ्रिजरेंट हम यूज कर रहे हैं उसका तापमान ज्यादा है। तो ऐसे में रेफ्रिजरेंट अपनी गर्मी पानी के अंदर ट्रांसफर कर देता है, जिसके कारण रेफ्रिजरेंट ठंडा हो जाता है और पानी गर्म हो जाता है। गर्म होने के बाद ये पानी कूलिंग टावर की तरफ चला जाता है, जहां से उसको फिर से वातावरण की हवा से ठंडा किया जाता है। अब जैसे कि रेफ्रिजरेंट पानी को अपनी गर्मी देने के बाद ठंडा हो जाता है और ठंडा होने के बाद ये रेफ्रिजरेंट लिक्विड में बदल जाता है। ये रेफ्रिजरेंट लिक्विड में बदलने के बाद कंडेंसर से निकल के एक्सपेंशन वाल्व में जाता है। अब जो ये एक्सपेंशन वाल्व लगी होती है, इसका जो मुख्य काम होता है वो रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को कम करने का होता है। अब प्रेशर कम होगा तो इसका मतलब तापमान भी कम हो जाएगा। अब यहाँ से लो प्रेशर लो टेम्परेचर वाला जो रेफ्रिजरेंट है वो हमारे चिलर में आता है। ये चिलर भी सेल एंड ट्यूब टाइप होते हैं, इसे ही एवेपोरेटर भी कहा जाता है, लेकिन कंडेंसर के मुकाबले यहाँ पे उल्टा होता है। इसकी सेल में पानी होता है और ट्यूब में रेफ्रिजरेंट। यहाँ पे रेफ्रिजरेंट का जो तापमान होता है वो लगभग 40 डिग्री फ़ारेनहाइट तक नीचे आ चुका होता है। अब इस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट तक के रेफ्रिजरेंट के संपर्क में आने से पानी लगभग 44 से 45 डिग्री फ़ारेनहाइट तक अपने तापमान को नीचे ले आता है। उसके बाद ये ठंडा हुआ पानी एयर कंडीशनिंग या फिर अन्य इंडस्ट्री यूज के लिए आगे चला जाता है। यहाँ से चिल्ड वाटर ठंडा होने पर आगे इस्तेमाल के लिए जाता है और गर्म होने के बाद फिर से वापस चिलर में आ जाता है। अब यूज होने के बाद पानी का जो तापमान होता है वो लगभग 50 से 60 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला जाता है और वहीं दूसरी तरफ चिलर में जो रेफ्रिजरेंट पानी के संपर्क में आता है उस रेफ्रिजरेंट का तापमान बढ़ जाता है और यहाँ से ये रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर में चला जाता है और ये सारी प्रक्रिया लगातार ऐसे ही चलती रहती है। तो ये तो था हमारा रेफ्रिजरेशन साइकिल। अब देखते हैं हम वाटर कंडेंसर वाटर साइकिल। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बता दें, हमने आप लोगों के लिए एक ई बुक बनाया है जिसमें आप सिंगल फेज थ्री फेज मोटर के स्टार्टर के सभी प्रकार के बारे में सीख सकते हैं, साथ ही मोटर के लिए वायर एमसीबी कॉन्टेक्टर का सिलेक्शन कैसे किया जाता है, इसके अलावा सोडियम वेपर मर्करी वेपर लैंप के कनेक्शन किस तरीके से किए जाते हैं, साथ ही इलेक्ट्रिकल की और भी बहुत सारी जानकारियां आपको इस ई बुक में मिलेंगी, जो आपको इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने में मदद करेंगे। साथ ही अगर जॉब करते हैं तो भी आपको ये ई बुक बहुत ही काम आने वाली है। तो हमारी इस ई बुक को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जा सकते हैं। तो अब देखते हैं कंडेंसर वाटर साइकिल। कंडेंसर वाटर साइकिल के जो मुख्य कंपोनेंट होते हैं वो पंप, सेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर और कूलिंग टावर। अब यहाँ पे एक पंप लगा रहता है जिसका नाम कंडेंसर पंप होता है। ये कंडेंसर पंप पानी को कूलिंग टावर और कंडेंसर के बीच में घुमाता है। अब ये पानी जिसका तापमान लगभग 90 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ये पानी कंडेंसर की ट्यूब्स में आता है। जैसा कि हमने पहले ही बताया था, कंडेंसर का जो सेल होता है उसमें हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट होता है जिसका तापमान लगभग 110 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास तक होता है। अब जो रेफ्रिजरेंट है उसका तापमान ज्यादा है और कंडेंसर में जो पानी बह रहा है उसका तापमान कम है। ऐसे में ये रेफ्रिजरेंट अपनी गर्मी पानी में ट्रांसफर कर देता है। ऐसा करने से रेफ्रिजरेंट ठंडा हो जाता है और पानी का जो तापमान है वो ज्यादा हो जाता है, यानी पानी गर्म हो जाता है। अब यहाँ पे हमने जो टेम्परेचर बताए हैं कि रेफ्रिजरेंट 110 डिग्री फ़ारेनहाइट, पानी का तापमान 90 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो ये जितने भी तापमान है ये जरूरी नहीं है कि हर जगह एक जैसे रहे। ये हर जगह के वातावरण और वहाँ का जो क्लाइमेट है, जो मौसम है, उसके हिसाब से ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन जो डेल्टा टी होता है वो हर जगह बराबर ही रहता है। अब अगर आपको डेल्टा टी का नहीं पता तो हम आपको बता दें, जो पानी गर्म होने के बाद कंडेंसर से निकल के कूलिंग टावर में जाता है और जो उसका टेम्परेचर और जो पानी कूलिंग टावर से ठंडा होकर वापस कंडेंसर में आता है, इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है इसको ही डेल्टा टी कहा जाता है। डेल्टा टी को कूलिंग रेंज भी
कहा जाता है, जो लगभग 10 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास होता है। अब कंडेंसर से निकला 100 डिग्री फ़ारेनहाइट वाला पानी कंडेंसर से कूलिंग टावर में जाता है और यहाँ पे नोजल या स्प्रिंकलर द्वारा बोछारों के द्वारा कूलिंग टावर में लगे फिन्स के ऊपर गिरने लगता है। अब कूलिंग टावर में ऊपर की तरफ एक फैन लगा रहता है जो बहुत ही स्पीड के साथ घूमता है और कूलिंग टावर के अंदर से हवा को खींच के बाहर की तरफ छोड़ता है। जब ये फैन टावर के अंदर से हवा खींचता है तो इस हवा के संपर्क में पानी आता है और जो अपनी गर्मी हवा को दे देता है और खुद ठंडा हो जाता है। इवेपोरेशन वाली प्रक्रिया है। इसके बाद ये पानी ठंडा होकर नीचे कूलिंग टावर के टैंक में जमा हो जाता है। अब इस पानी को फिर से पंप द्वारा कंडेंसर में भेज दिया जाता है। अब रेफ्रिजरेशन साइकिल की तरह ये कंडेंसर वाटर साइकिल की प्रक्रिया भी लगातार चलती रहती है। अगर इसके अलावा आप चिलर प्लांट की सेफ्टी के बारे में जानना चाहते हैं कि कौन कौन सी सेफ्टी यूज की जाती है तो इसके लिए आप हमारी राइट वाली वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप कूलिंग टावर के जो वाटर के पैरामीटर होते हैं इनके बारे में जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारी लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हैं।